हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है इसमें पैराग्राफ 11 में क्लियरली मेंशन कहता है कि हाईकोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर है सिर्फ वो इंस्टीट्यूशंस को लागू होता है जहां पर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने प्रिस्क्राइब किया हो स्कूल ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म, सिर्फ ऐसे इंस्टीट्यूट्स को कलम हाईकोर्ट का ऑर्डर होता है जहां पे नो हिजाब नो स्कार्फ नो रिलीजियस फ्लैग का जो रूल होता है। फॉर स्कार्फ और आफ्टर स्कार्फ का फोटो ले रहे हैं वो लड़कियाँ, शर्म रहे हैं, घबरा रहे हैं, आँख में आंसू ला। यहाँ पर CDC नहीं है और जो स्कूल्स हैं प्री प्राइमरी है या प्राइमरी स्कूल है या हाई स्कूल्स है वहाँ पर जाकर जो है स्टूडेंट्स को डराने की कोशिश की गई है। यहाँ तक कि जो टीचर्स हैं जो लेक्चरर्स हैं उनको भी जो है रोड पर रास्तों पर जो है जो गेट्स हैं वहाँ पर उनका जो है निकाब निकालने की जो है कोशिश की गई है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सोशल एक्टिविस्ट मिलकर DDPI ऑफिस को आए थे क्योंकि दो दिन से हम लोग देख रहे हैं मुसलसल एजुकेशन डिपार्टमेंट से पुलिस डिपार्टमेंट से और DC साहब के एडमिन डिपार्टमेंट से लगातार स्कूल्स को जाकर स्कूल के जो लड़कियां हैं उनका हिजाब निकालने के लिए प्रेशराइज़ कर रहे हैं। इवन टीचर्स को भी हिजाब निकालने के लिए प्रेशराइज़ कर रहे हैं। जब हम इनसे सवाल कर रहे हैं कि आपको कौन से कोर्ट का ऑर्डर आप मान रहे हैं तो इनके पास जवाब नहीं है। कोई कुछ लोग कर रहे हैं नहीं हम मीडिया में देखे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं ऊपर से आया ऑर्डर, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं न्यूज़पेपर में आया ऑर्डर। तो इसीलिए हम उनको ऑर्डर बताने के लिए आज हाईकोर्ट का ऑर्डर प्रिंट करके ला के दिखाए हैं। ये हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है इसमें पैराग्राफ 11 में क्लियरली मेंशन कहता है कि हाईकोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर है सिर्फ वो इंस्टीट्यूशंस को लागू होता है जहां पर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने प्रिस्क्राइब किया हो स्कूल ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म, सिर्फ ऐसे इंस्टीट्यूट्स को कलम हाईकोर्ट का ऑर्डर होता है जहां पे नो हिजाब नो स्कार्फ नो रिलीजियस फ्लैग का जो रूल होता है, सभी पे नहीं होता है। ये लोग ये जो डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट होंगे या पुलिस डिपार्टमेंट होंगे यहाँ वहाँ से सुनकर हाईकोर्ट का ऑर्डर समझकर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम DDPI ऑफिसर को हाईकोर्ट का ऑर्डर दिखाकर यही बता रहे हैं कि आप लोग जो दो दिन से कर रहे हैं सीधा सीधा हाईकोर्ट का ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे हैं। और जो कल हम विजुअल देखे हैं चाहे वो उर्दू स्कूल का हो जो आज का जो फरीदाबाद स्कूल का हो, इतना शर्मनाक है कि स्कूल के बच्चों का स्कार्फ निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बिफोर स्कार्फ और आफ्टर स्कार्फ का फोटो ले रहे हैं, वो लड़कियां शर्म रहे हैं, घबरा रहे हैं, आँख में आंसू ला रहे हैं, इवन टीचर्स को तक बख्शा नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये दुश्मनी क्या है आपकी? ऐसे कितने ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स हैं जो उसको लेकर रद्दी में जो फेंक रहे हैं, कितने ऐसे स्कूल के एजुकेशन के हैं कि यूनिफॉर्म अभी कितने ऐसे इश्यूज हैं यूनिफॉर्म्स नहीं है स्कूल्स में। जो गुलबर्गा में यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ है हम दो दिन से देखेंगे गुलबर्गा का जो माहौल है उसको जो है ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसको यहाँ तक ये चीज़ नहीं मालूम है कि जो कोर्ट का ऑर्डर है वो ऑर्डर में क्या मेंशन किया गया है। देखा गया तो जहाँ पर CDC नहीं है और जो स्कूल्स हैं प्री प्राइमरी है या प्राइमरी स्कूल है या हाई स्कूल्स है वहाँ पर जाकर जो है स्टूडेंट्स को डराने की कोशिश की गई है। वहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है गेट के बाहर जो है उनका निकाब उतारने पर उनको फोर्स किया गया है, उनको हिजाब निकालने के ऊपर जो है फोर्स किया गया है। यहाँ तक कि जो टीचर्स हैं जो लेक्चरर्स हैं उनको भी जो है रोड पर रास्तों पर जो है जो गेट्स हैं वहाँ पर उनका जो है निकाब निकालने की जो है कोशिश की गई है। हम ये सवाल करते हैं क्या डिस्ट्रिक्ट के जो ये ऑफिशियल्स हैं क्या उनको ये ऑर्डर अभी तक नहीं पहुँचा है? क्या ये ऑर्डर या वो लोग पढ़े नहीं हैं? पैराग्राफ 10 और पैराग्राफ 11 में क्लियरली मेंशन किया गया है जहां पर CDC है वहां पर ये जो है कोर्ट का इंटरिम जो ऑर्डर है वो इम्प्लाई किया जाएगा, वहां पर जो है वहां पर फॉलो किया जाएगा। मगर हम देखेंगे जो उर्दू स्कूल है जो माइनॉरिटी स्कूल है जहां पर 99% जो स्टूडेंट है मुस्लिम्स हैं माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाले हैं उनको जो है जाकर जो है हरास किया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है, उनको जो है निकाब निकालने के जो है निकाला जाता है। कई आपके ये चाहते हैं कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी एजुकेशन में बहुत बैकवर्ड हैं उनको और क्या पीछे डालने की आपकी साजिश है।